स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने चैनल स्टडी विद टाइगर पे, और मैं हूँ आपका सर मनोज कुमार मिश्रा। आज 5 सितंबर है। आज का दिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के वजह से मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे राष्ट्रपति क्रम में 2 नंबर के थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन 40 वर्ष अपनी पूरी जिंदगी का करीब करीब शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। इसलिए उनकी इच्छा थी कि जब भी हमारा दिवस मनाया जाए तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि हम आपको UP SSC के प्रैक्टिस पेपर कराएंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम क्रमानुसार कराएंगे। उस क्रम में हम आपको इतिहास के 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन हम आपको क्रमवाइज कराएंगे। चलिए आइए देखते हैं ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि UP SSC के पेट की डेट अनाउंस हो चुकी है, कि पेट का एग्जाम आपका 28 और 29 अक्टूबर 2023 को सुबह शाम दोनों पालियों में 2 दिन होगा। दिन आपके कम शेष बचे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग रिवीजन करिए, प्रैक्टिस पेपर करिए, खूब मेहनत करिए और पढ़िए। आइए देखते हैं ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। आपका विकल्प है सिंधु, आपका दूसरा विकल्प है ब्रह्मपुत्र, तीसरा जो आपका विकल्प है यांगटी, और चौथा जो आपका विकल्प है हाँ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी। अब एशिया की सबसे लंबी नदी की बात की जाएगी, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह आपकी है यांगटी। यह नदी चीन की नदी है, जो कि चीन के सीकांग पहाड़ी से निकलते हुए दक्षिण पश्चिम होते हुए फिर उत्तर पूर्वी तरफ बहते हुए पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसकी जो लंबाई है वह करीब 6300 किलोमीटर है। अब यह एशिया की ही नहीं, एशिया की तो सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह विश्व में सबसे लंबी नदियों में तीसरे क्रम पे है। विश्व में सबसे लंबी नदियों के जो पहले क्रम में है वह आपका है नील नदी, दूसरा आपका है अमेजन, और तीसरा आपका है यांगटी। आइए जानते हैं और विकल्पों के बारे में। हमारी जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल तिब्बत पठार के पास मानसरोवर झील के पास, थोड़ा जाके शिनाब पहाड़ी के पास से निकलती हुई है ये, और इसकी लंबाई जो है सिंधु नदी की करीब 2880 किलोमीटर की है। इसका अपवाह क्षेत्र है 2880 किलोमीटर का। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलती है, चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी जो लंबाई है करीब 2900 किलोमीटर की है। दूसरा क्वेश्चन है बृहद ज्वार आता है। विकल्प आपका यह है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही रेखा में हो, दूसरा विकल्प है जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हो, तीसरा है कि जब तेज हवा चल रही हो, चौथा है कि जब रात बहुत ठंडी हो। सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करते हैं कि ज्वार आता कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि समुद्र में सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के द्वारा समुद्र के जो जल होते हैं उसके ऊपर उठने और नीचे गिरने को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ये सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों की वजह से समुद्र में आता है। तो सब हम देखते हैं विकल्प में ही कि जब ये सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों की वजह से आता है तो सबसे तेज हवा चल रही है, ये आपका गलत हो जाएगा। रात बहुत ठंडी है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि पहला जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही रेखा में हो, तो ये बात कर रहा है बृहद ज्वार की। तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही रेखा में होते हैं तो इनका जो आकर्षण शक्ति है वो मिली हुई होती है, सम्मिलित होती है, इसलिए बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार आता है, और ये जो बृहद ज्वार आता है पूर्ण अमावस्या के दिन आता है। लेकिन दूसरा जब हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के निकट
चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है सूर्य की अपेक्षा दुगनी है। जब ये तीनों समकोण बनाते हैं, सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, तो इनकी आकर्षण शक्तियां एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं, इसलिए यहाँ निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार, इसलिए निम्न ज्वार आता है। जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं तो निम्न ज्वार आता है, और जब सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा में होते हैं तो यहाँ बृहद ज्वार आता है। निम्न ज्वार जो आता है वह आपको कृष्ण या शुक्ल पक्ष के अष्टमी को आता है। बृहद ज्वार जो आता है वो सूर्य और चंद्रमा के एक ही रेखा में होने से आता है। इस अवस्था को हम सिजगी भी कहते हैं, सिजगी भी कहते हैं इस अवस्था को। और बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 20% का होता है, अर्थात बृहद ज्वार 20% ऊपर उठता है और निम्न ज्वार 20% नीचे की तरफ जाता है। अब है प्रश्न संख्या 3, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 अरब सागर में, दूसरा अटलांटिक महासागर में, तीसरा भूमध्य सागर में और चौथा हिंद महासागर में। तो भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ ये जो आपके उत्पन्न होते हैं वो भूमध्य सागर में होते हैं। भूमध्य सागर में होते हैं पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, और ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? ये आपके भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। शीतकाल में चूंकि भारत में प्रवेश करते हैं, इसलिए उस समय जो आपके रबी की फसल होती है उसके लिए ये जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं बहुत ही सहायक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत अवस्थित है, विकल्प ये है आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में, विकल्प ये आपका है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, विकल्प सी आपका है भूमध्य रेखा के पश्चिम में, और विकल्प डी आपका है भूमध्य रेखा के पूर्व में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भूमध्य रेखा क्या है। तो 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री जो हमारी है वो तो पूरे पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो भागों में, समानांतर भागों में विभाजित करती है। तो जब हम भारत की अवस्थिति देखते हैं तो वो भूमध्य रेखा के उत्तर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। आइए क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या कुल सकल जनसंख्या का कितना? ए 29%, बी 30%, सी 31% और डी 32%। तो जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल जनसंख्या का 31% है। कितना परसेंट है? 31%। तो आज आपके ज्योग्राफी के जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 5 क्वेश्चन आपके UPSSC पैट में ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे, उन 5 क्वेश्चनों को आज हमने करा दिया है। कल अगला जो नेक्स्ट लेवल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है? तो आप लोग इसको रिवाइज करिए, पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपका अपना चैनल है स्टडी विद टाइगर, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।